और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को आजादी के महापर्व की बधाई दी। रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में महतारी वंदन योजना, किसानों को धान का बोनस देने और भूमिहीन किसानों को 10,000 की सहायता राशि देने का जिक्र किया। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं मुख्यमंत्री के नाते समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। लाखों देश के सपूत शहीद हुए हैं, लाखों कुर्बानी के बाद ये आज़ादी हम लोगों को मिली है। मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि इस आज़ादी को हम लोगों को सहेज के रखना है और विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, आज हम लोग